नमस्कार चेहरे पर मुस्कान और खुली बाहों के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आकृतियों की गणना यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में भी देखते हैं और मेरे पीछे भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों फिगर काउंटिंग में बहुत सारी तरह के फिगर्स काउंट करने होते हैं जिन्हें हम एक एक करके दो क्लासेज में दोस्तों कवर करेंगे परंतु ज़रूरी ये है कि आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखें क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी और उसके बाद में दोस्तों उस पर धांसू क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर लगातार बनोगे और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों हो सकता है आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल गिनना है कि इस तरह के ट्राइंगल्स भैया आपने कहीं से सीखा है और आप इस तरह से गिनते हैं आपको क्योंकि आप मुझसे चाहते हैं कि भैया हम पूरा सीखें तो आपको मेरे मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा नहीं तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे गिनना दोस्तों फिर आप मेरे मेथड से नहीं सीख पाओगे तो शुरू से लेकर एंड तक हमारे मेथड्स दोस्तों सिमिलर होने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ शंकर सुनील संदीप रमन दीपक खेम अरुण प्रहलाद शंकर ललित पूजा जसपाल और भी बहुत सारे दोस्त जल्दी जल्दी नाम जा रहे हैं मैं नाम पढ़ नहीं पाता हूँ पर कोई मेरा दोस्त आ, नाम नहीं पढ़ पाने की वजह से मायूस ना हो दोस्तों क्योंकि नाम लिया जाएगा और एक दिन पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया आपका नाम लेगी पर जरूरी है उसके लिए सक्सेस और दोस्तों सक्सेस की जो है एक बहुत खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है तो आप पर फिदा तभी होगी सक्सेस सक्सेस तभी आपके कदम आपके हाथ चूमेगी दोस्तों जब आप मेहनत करेंगे दुनिया को मेहनत प्रूव कर दीजिए बाकी दोस्तों ऊपर वाला आपको प्रूव कर देगा कि वो है वो था और वो हमेशा आपके साथ है तो एक साथ में दोस्तों सबको नमस्कार राम राम राधे राधे जय हिंद जय जै भारत आदाब सत श्री अकाल दोस्तों वॉर स्केल पे हम लोग फिगर्स काउंट करने वाले हैं पर जरूरी है एक बार फटाफट से लोग वीडियो लाइक कर दें 1600 सो लोग लाइव हो चुके हजार हैं हैं और लाइक्स भी मतलब आज तो भैया फौज बिना बोले लाइक कर चुकी है फिर भी कुछ आ, सौ लोग होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों फिगर काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं क्या क्या काउंट करना सीखना है हमें स्क्स काउंट करना सीखना है ईजी होता है हमें रेक्टेंगल्स काउंट करना सीखना है यानी आयत काउंट करना सीखना है ईजी है हमें ट्राइंगल काउंट करना सीखना है ईजी है हमें क्यूब्स काउंट करना सीखना है बहुत ईजी है और हमें सर्कल्स काउंट करना सीखना है बहुत ईजी है पढ़ लोगे तो इजी ही तो होगा भाई तो आज की क्लास में बेसिक जो है दोस्तों हम स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं हर तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा स्टार्ट तो ऑब्वियसली मजबूरी है बेसिक से करना होगा आपसे पूछा कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं आपसे पूछा कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आयत कितने हैं गाइस ध्यान से मेरी बात सुनना उंगली से टक 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 गिनोगे शायद सही गिनोगे शायद गलत गिनोगे, शायद गिनोगे, शायद गिनोगे पर वो शायद गलत वाला फैक्टर है इसलिए उंगलियों से नहीं गिनना है दोस्तों क्योंकि गिनोगे तो प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम है देखो ये भी एक रेक्टेंगल है और इसके बाजू वाले को मिला लें तो भी वो रेक्टेंगल होगा इसके नीचे वाले को मिला लें तो भी रेक्टेंगल होगा और इस पूरे को मिला लें तो भी रेक्टेंगल होगा इसलिए इस तरह से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स गिनना थोड़ा सा आप कह सकते हैं थकान भरा हो सकता है अब आपको क्या करना है आपको क्या करना है जरा ध्यान से मेरी बात सुनना स्तंभ और पंक्तियों को नंबर दे दो यहाँ डाला नंबर एक दो तीन और यहाँ भी डाला एक दो तीन ध्यान से सुनना लिखना साथ साथ दोस्तों अब ये जो नंबर्स आपने डाल दिए बड़ा होता तो चार पांच तक भी हो सकता था एक तरफ तीन दूसरी तरफ चार भी हो सकता था पर एक ही पैटर्न फॉलो करना है वो क्या है जस्ट इनको ऐड कर दीजिए दोस्तों इन्हें ऐड करोगे तो आएगा सिक्स और इन्हें भी ऐड कर दोगे तो आएगा सिक्स पंक्तियों का रोज़ का टोटल सिक्स और कॉलम्स का टोटल भी सिक्स बस छे को छो से मल्टीप्लाई कर दो तो छ इंटू छ दोस्तों छत्तीस रेक्टेंगल्स यानी छ छत्तीस आयत इस फिगर में हो जाएंगे कितने फिगर हो जाएंगे दोस्तों 36 तो जिनका आंसर 36 के अलावा कुछ और है वो मेरी बात को समझ गए हैं और जिंदगी में इस तरह का रेक्टेंगल गिनना गलत नहीं हो पाएगा बोलो हाँ या ना दोस्तों भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है इसलिए रुका नहीं आपसे बोला आयत गिनिए फाइंड द द नंबर ऑफ इन गिवन फिगर आपने नंबर डाला एक दो आपने नंबर डाला एक दो तीन चार पांच दोस्तों इनको ऐड किया तो यू विल गेट फिफ्टीन और आपने इन्हें ऐड किया तो यू विल गेट थ्री दोस्तों पंद्रह को और तीन को बस मल्टीप्लाई कर लीजिए जब पंद्रह इंटू तीन करेंगे तो यू विल गेट फोर्टी फाइव रेक्टेंगल्स यानी पैंतालीस आयत आपका करेक्ट आंसर होगा बोलो या ना अरे फोर्टी फाइव होगा फोर्टी फाइव के अलावा अगर किसी का कोई और आंसर आया दोस्तों तो ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी अगले क्वेश्चन पर चल ना अरे अगले क्वेश्चन पे चल लू ना अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों पसीने छुड़वा दूंगा पसीने छुड़वा दूंगा हर तरह का क्वेश्चन लाया हूँ आज रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स करेंगे लगातार बने रहना दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो गया पर बड़े होने से फिगर के आपको कोई फर्क पड़ता है क्या हमने बोला एक दो तीन चार पाँच बाबा जी की जय जयकार एक दो तीन चार पंद्रह यहाँ पे एक प्लस दो तीन प्लस तीन एक प्लस दो तीन प्लस तीन छ कितना दोस्तों छ यहाँ टोटल पंद्रह यहाँ टोटल छ पंद्रह और छ को मल्टीप्लाई किया दोस्तों आपको मिला 90 रेक्टेंगल्स 90 आयत हो जाएंगे कितने आयत हो जाएंगे 90 आयत हो जाएंगे परफेक्ट और इतनी जल्दी जल्दी नाम जा रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग इसी तरह से देने वाले हैं परफेक्ट मतलब इतने जल्दी कि मैं एक भी नाम ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं परफेक्ट समझ रहे हो ना भाई बना बाद में लेना अगर कुछ बनाना मिस हो जाए तो समझ में आना चाहिए अच्छा अभी दोस्तों चेंज क्या कर रहा हूँ एक साइड में साइड में हल्का सा टुच्चू निकाल दिया साइड में हल्का सा टुच्चू निकाल दिया अब इस टुच्चू के बनने से दोस्तों इस टुच्चू के बनने से रेक्टेंगल्स कितने होंगे मैं आपको चार ऑप्शंस दे रहा हूँ अगर आपके 50% परसेंट दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही आया अगर 50 परसेंट दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही आया तो ही जिंदगी सेट होगी नहीं तो बहुत टेंशन है इसका आंसर चाहिए खुशवंत कामाक्षी प्रियंका इंदिरा भाई एक बार कमेंट को तुम होल्ड कर दो एक एक करके मैं सबके नाम पढ़ना चाह रहा हूं इसका आंसर चाहिए दोस्तों प्रकाश अतुल अतुल पूजा अनिल हाँ यहाँ पे बस रोक दो वेरी गुड अब नीचे धीरे धीरे करो पृथ्वी अशोक ममता पिंकू अजय मदन नितिन कमल धीरे भाई शिवानी प्रतीक बबिता नीलम कमलेश पृथ्वी और सिद्धार्थ प्रवीण सबको आंसर इसका देना पड़ेगा नीचे कर दो वेरी नाइस nice. हाँ भाई बताओ इकसठ चौसठ इकसठ चौसठ साठ पैसठ छासठ भी आंसर है ओके okay, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना अभी क्या होगा देखो मैं घमंड नहीं करता हूं इसलिए साफ साफ बताता हूं कि मैंने जो पढ़ाया उसके अलावा कुछ तो बन सकता होगा ना मैंने यहाँ पे एक टुच्चू निकाला भगवान ना करें एग्जाम में दो टुच्चू निकल जाए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ आपने रेक्टेंगल शॉर्ट में गिनना सीखा आपने रेक्टेंगल शॉर्ट में गिनना सीखा बिना इस एक्स्ट्रा के तो इस एक्स्ट्रा को दोस्तों एक बार के लिए मैंने हटा दिया इस एक्स्ट्रा को मैंने हटा दिया आपने बोला सर एक दो तीन एक दो तीन चार इनको जोड़ा प्यारे दोस्तों तो आया दस इनको जोड़ा तो आया छ दस इंटू छ साठ तक तो क्लियर है अरे साठ तक तो क्लियर है और फिर इस टुच्चू पर नजर गई दोस्तों फिर इस टुच्चू पर नजर गई ध्यान से मेरी बात सुनना हम में से ज्यादातर लोगों को ये एक दिख रहा है कि सर एक ऐड हो जाएगा और इकसठ आंसर आ जाएगा मैंने बोला गलत बोल रहे हो कहोगे सर इकलौता ही तो है इसके अलावा और कहाँ बन रहा है तो कैसे काउंट करेंगे मैंने कहा ध्यान से देखना आपका आपका काम क्या है कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा कितने बने दोस्तों यहीं से इसी लाइन से शुरू कर रहा हूं सिंगल एक डबल तीन को मिला के और चार को मिला के मतलब यहां से देखो एक दो को मिला के दो तीसरे को मिला के पूरा तीन और एक ये पूरा चार तो ये चार एड होंगे दोस्तों एक एड नहीं होगा कितने ऐड होंगे चार ऐड होंगे और आपका आंसर आएगा 64 यानी ऑप्शन नंबर सी 64 फोर इज द करेक्ट आंसर ये मत सोचना कि सर ये तो आपने गिन लिया ना पहले मैंने इसको नहीं गिना अब मैंने बोला स्टार्ट यहीं से करूँगा स्टार्ट यहीं से करूंगा एक तो सिंगल वाला एक इन दोनों को मिला के एक और इन तीनों को मिला के एक और इन चारों को मिला के एक और तो चार ऐड होके 64 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सत्य कर्मवीर अक्षय वेरी नाइस nice सबके आंसर्स अभी समझ में आ गए होंगे वेरी नाइस वेरी नाइस परफेक्ट दोस्तों इसका आंसर मांग रहा हूं दोस्तों भारत जवाब चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा जरा फटाफट से मुझको बताना ऑप्शन दे रहा हूं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों बासठ सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट और सिक्सटी नाइन चार ऑप्शन हैं फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो इसमें होने चाहिए 68 आंसर आया 64 आंसर आया दोस्तों एक टुचकू निकाला ना पिछले वाले में एक टुचकू निकाला वो टुचकू ऊपर है कि नीचे है उससे जिंदगी को फर्क नहीं पड़ेगा इस बार दो टुचकू निकाले कितने टुचकू निकाले दो टुचकू निकाले यस सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन बोलो एक दो तीन चार सुनो भाई मैंने बोला टुचकू हटाएं ये टुचकू हटा दें ये हटाया यहां से और ये हटाया यहां से कंप्लीट फिगर जिसका शॉर्ट ट्रिक हमको आता है उसमें नंबर डाला एक दो तीन एक दो तीन चार ये जुड़ के आया दोस्तों दस और यह जुड़ के आया छू प्योर वाले कितने हो गए दस इंटू साठ अरे या ना अब यह एक टुच को हटाया दोस्तों ये एक देखा अब देख ध्यान से सुनना सिंगल वाला डबल वाला दो ट्रिपल वाला तीन और चारों को मिला के चार अब हमें से ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि सर चार ये और चार ये मैंने बोला ये चार नहीं है पांच है जरा ध्यान से देखना सिंगल वाला दोनों को मिला के तीनों को मिला के चारों को मिला के और पांचों को मिला के तो इस वाले इस वाली बिल्डिंग में दोस्तों चार काउंट नहीं होंगे कितने काउंट होंगे पांच काउंट होंगे तो पांच और जोड़ा जिससे आपको दोस्तों आंसर मिला सिक्सटी नाइन रेक्टेंगल्स यानी ऑप्शन नंबर डी एट नहीं सिक्सटी नाइन हाँ या ना दोस्तों लगभग चार हजार बच्चे लाइव हैं और लाइक अगर बाईस सौ हुए हैं तो बहुत ही बुरा है मतलब आधे लोगों को ही पसंद आया आधे लोग बोझ की तरह देख रहे हैं क्या एक बार फटाफट से सब लोग लाइक करें एक बार फटाफट से सब लोग लाइक करें और मुझे इसका आंसर दें और मुझे इसका आंसर दे, दे दे दोस्तों ऑप्शन दे रहा हूँ सिक्सटी 63, 68, 72. चार ऑप्शंस दे दिए प्यारे दोस्तों मैंने चार ऑप्शंस दे दिए आपसे पूछा बताइए इसमें ट्रायंगल्स इसमें रेक्टेंगल्स कितने हैं क्या होना चाहिए इसमें इसमें चाहिए भैया इसमें आंसर चाहिए सरिता अभिषेक कमेंट धीरे करो ऊपर पकड़ो ने कमेंट पकड़ो और सबके एक बार सबसे थोड़ी वार्तालाप हो जाए हां जी विपुल अनिल नीचे करते जाओ धीरे धीरे विपुल शंभू सहदेव सर्वेश विकास सुनील अक्षय राजेश अक्षय भाई तुमने अगर आंसर नहीं दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा अक्षय सुन रहे हो जो भी अक्षय नाम का बंदा देख रहा है नाम खराब हो जाएगा इसलिए सही आंसर देना जितेंद्र राजेंद्र एम के राजभर ए के सुशील सविता दीपक झुंझार वेरी नाइस ऊपर कर लो कमेंट थोड़े से उत्तम गुप्ता राम वेरी नाइस परफेक्ट आंसर क्या आ रहा है नीचे कर लो सेवेंटी 68, 68, टू नाइस परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों अब आप मुझे बताओ पिछले क्वेश्चन में दो टुचकू निकाले उससे पिछले क्वेश्चन में एक टुचकू निकाला इसमें भी दो टुचकू निकले आपको लगेगा कि सर इन दोनों को हटा दो जब इन दोनों को हटाओगे सर तो एक प्लस दो प्लस तीन छ एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार दस प्योर वाले हो गए सर दस इंटू छ बोले तो सिक्सटी मैंने कहा बिल्कुल सही है सर इसके आगे भी मुझको आता है सर सर एक टुचकू हटाऊंगा, तो सिंगल एक दोनों को मिला के दो तीनों को मिला के तीन चारों को मिला के चार मैंने कहा बिल्कुल सही है सर जिस तरह इसमें चार गिने उसी तरह सर इसमें भी चार मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो भाई इसमें भी चार इसमें भी, इस भी चार वेरी नाइस अच्छा, अच्छा 65 कि, 69 किसी का आंसर है क्या जिनका आंसर सिक्सटी नाइन है वो सुनना उन्होंने इन दोनों को मिला के एक गिना तो बोले सर सिक्सटी नाइन हो गए मैंने कहा ध्यान से सुनो गाइस सुनना आपने ये चार गिन लिए आपने नीचे वाले चार गिन लिए अब आप मुझे बताओ कि इस पूरे को एक लाइन मानता हूं तो ये एक ये दो ये तीन और ये चार यहां से इन दोनों को एक ही मानते हुए सिंगल वाला यहां से लेकर डबल यहां से लेकर ट्रिपल और यहां से लेकर चारों को तो और चार ऐड होंगे या सिर्फ एक ऐड होगा आप कहेंगे सर चार ऐड होगा 72 टू इज दी करेक्ट आंसर कितना आंसर हो जाएगा गाइस 72 आंसर हो जाएगा मेरे 69 वाले दोस्त सुनना एक ही काउंट नहीं करना है एक दोनों को मिला के दो तीनों को मिला के तीन यहां से यहां तक चौथा चार ऐड होंगे एंड सेवेंटी टू इज दी करेक्ट आंसर वेरी नाइस परफेक्ट ललित मोहित तनु ललित अरविंद पूजा परफेक्ट परफेक्ट एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मेरा नाम नहीं लिया तो कल से मैं क्लास देखना छोड़ दूंगा दोस्त उसको मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में छोड़ने लायक केवल एक ही चीज़ है और वो है दूसरों से उम्मीद करना वो है दूसरों से उम्मीद करना सबसे सुंदर जेवर दोस्तों आपकी मेहनत है और सबसे सच्चा दोस्त आपका निश्चय है ये नाम लेना और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में केवल उत्सव का एक छोटा सा क्षण मात्र है ज़िंदगी भर का उत्सव दोस्तों आपकी सफलता आपको देगी सेवेंटी टू में किसी को डाउट नहीं है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आप रेक्टेंगल गिने अभी तक आपने क्या क्या गिन लिया रेक्टेंगल बोले इस बार चतुर्भुज बताइए क्या बताइए चतुर्भुज बताइए कॉड्रीलेट्रल्स बताइए अब ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना कि जिस तरह से ट्राइंगल्स जिस तरह से रेक्टेंगल्स गिने एग्जैक्टली exactly उसी तरह से एग्जेक्टली exactly उसी तरह से यहां पे आपको क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज गिनने हैं वही एक दो तीन चार जोड़ोगे आएगा दस और वही एक दो तीन जोड़ोगे आएगा छ तो दस इंटू साठ आंसर देना है मतलब जो अभी रेक्टेंगल गिना उसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके पैरेललोग्राम्स समांतर चतुर्भुज सा दिख रहा है और कुछ चेंज नहीं है ये रेक्टेंगल गिनने वाला ही तरीका है समझ में आ रही है बात सबको अरे हाँ या ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वेरी नाइस nice. कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों ये लास्ट करके दिखा दो ये लास्ट करके दिखा दो थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर देता हूं आपसे पूछा कि इसमें क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज कितने हैं क्या मुझे सभी मेरे दोस्त आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इसका आंसर चाहिए दोस्तों मुझे एक दो तीन एक दो तीन क्या आंसर होगा हां जी आपसे पूछ रहा हूं व्हाट शुड बी दी करेक्ट आंसर बावन चौपन छप्पन क्या होना चाहिए आप मुझे बताओ ऑलमोस्ट सेम चीज गिनवा चुका हूं कि नहीं रेक्टेंगल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट सेम चीज रेक्टेंगल्स के रूप में गिन चुके हैं सेम टू सेम मेहनत दोस्तों पैरलोग्राम्स में करनी है अगर मैं ये टुचकू हटाऊं मतलब इसको नहीं देखूं और इसको भी नहीं देखूं तो एक दो तीन जोड़े जोड़ के छ एक दो तीन जोड़ के छ छू छतीस छ इंटू छ छत्तीस ये कौन से वाले हैं दोस्तों प्योर वाले हैं कौन से वाले हैं प्योर वाले हैं अब जब ये एक टुचकू यहाँ से हटाऊँगा दोस्तों जब ये एक टुचकू को, को देखूँगा तो ये कहेगा कि भैया हम इकलौते हैं तुम दोनों के साथ में हम दो हो जाएंगे तीनों के साथ में तीन हो जाएंगे और चारों के साथ में चार हो जाएंगे मतलब छत्तीस प्लस चार सिंगल डबल ट्रिपल और चारों को मिला के एक चार हो गए अच्छा वैसे के वैसे चार दोस्तों इसमें देखोगे तो सिंगल डबल तीन वाला और चार वाला चार यहां हो जाएंगे उसी की तरह दोस्तों चार यहां हो जाएंगे और इन दोनों को मिलाकर एक दो तीन और ये चार क्लियर है तो वो चार और हो जाएंगे यानी छत्तीस प्लस सोलह छत्तीस प्लस सोलह प्यारे दोस्तों फिफ्टी टू फिफ्टी टू इज दी करेक्ट आंसर बावन फिफ्टी टू होगा रे ये छप्पन वाला कौन है अब तक छप्पन नहीं हुए हैं। अब तक तो केवल फिफ्टी टू हुए हैं प्यारे दोस्तों फिफ्टी टू फिफ्टी टू भैया तीन इंटू ती, तीन प्लस तीन छ इंटू छत्तीस। इस वाली बिल्डिंग को देखा जाए तो एक दो तीन चार उधर चार और चार आठ और, और फिर दोनों को मिला के चार और फिफ्टी टू कर चुके हैं सेम चीज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब हम आए हैं ट्राइंगल्स पे यानी त्रिभुज पर दो मिनट तक मेरी बात सुनते जाना और उसके बाद दोस्तों बिना सुने करते जाना करते जाना जब तक कंप्लीट ना हो जाए दिमाग के सारे कंसेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सबसे टेढ़ा सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा काउंटिंग ट्रायंगल्स ही रहेगा और इसमें अलग अलग तरह से कई सारे तरह के ट्रायंगल्स होते हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा हर तरह के ट्रायंगल्स को सिखाऊंगा उसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह की है जहां बीच में लकीरें खींच दी जाती हैं जहां बीच में लकीरें खींच दी जाती हैं दोस्तों जरा इसको इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं और अब आप मेरी बात को सुनते जाना दोस्तों यहां पे कुछ नहीं दिख रहा इसको नाम इसको दे दिया एक इसके दो टुकड़े हो गए तो एक दो उसके तीन टुकड़े हो गए तो एक दो तीन इसके चार टुकड़े हो गए तो एक दो तीन चार इसके चार टुकड़े हो गए तो एक दो तीन चार दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना आलिया भट्ट को केवल इसमें ही करेक्ट आंसर मिला आलिया भट्ट को केवल इसमें ही आंसर मिला दोस्तों पर आलिया भट्ट के सारे भाई इसका करेक्ट आंसर देंगे और इसका भी करेक्ट आंसर देंगे ध्यान से मेरी बात सुनना प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि सर ये एक ही ट्रायंगल है मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो इसमें एक ही ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली कोई छुपी हुई चीज नहीं है दोस्तों यहाँ पे कितना नंबर डाला दोस्तों यहाँ पे कितना नंबर डाला सर एक और दो दोनों को जोड़ो कितना आया सर दोनों को जोड़ा तो तीन आया दोस्तों वहां पे एक दो तीन नंबर डाला तो तीनों को जोड़ो एक प्लस दो प्लस तीन छ आया तीनों को जोड़ा कितना आया छे आया दोस्तों यहां पे इनको ऐड करो एक प्लस दो तीन तीन प्लस तीन छह दस यानी इसमें दस ट्रायंगल हुए कितने ट्रायंगल ट्रायंगल हुए दस ट्रायंगल हुए दोस्तों उसी तरह एक दो तीन चार दस जोड़ा तो दस आया पर दोस्तों ये दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा ये बुर्ज खलीफा कितने फ्लोर का है सर डबल फ्लोर है बीच में एक लाइन खींच दिए सर सर बीच में एक लाइन खींच दिए तो मैंने कहा लाइन खींच दिए मतलब दो मंजिल की इमारत हो गई तो दो फ्लोर की इमारत है इसलिए इससे डबल करके दोस्तों कितना आंसर दे दो बीस आंसर दे दो ऐसा क्यों हुआ पहले समझ लो ताकि आगे दिमाग में सेटिंग रहे दोस्तों ये तीन कैसे हुए एक प्लस दो तीन कैसे हुआ दोस्तों दो तो छोटे छोटे दिख रहे हैं और एक बड़ा पूरा दिख रहा है तो तीन ही होंगे जैसे वहां पे आपने छह कैसे गिने ध्यान से सुनना एक प्लस दो प्लस तीन छह होता है पर ये छह हुए कैसे मैंने बोला देखो तीन तो छोटे इन दो को मिला के चार इन दो को मिला के पांच और इन तीनों को मिला के छ इसलिए शॉर्टकट तो याद रखना ही है दोस्तों पर कारण पता होना चाहिए इसमें इंटू टू क्यों किया ध्यान से सुनना ये ऊपर से लेकर नीचे तक दोस्तों ऊपर से चार टुकड़े हुए हैं नीचे तक चार ही टुकड़े हुए हैं सही बोल रहा हूं अगर मैंने यहां पे ये लाइन खींच दी दोस्तों ध्यान से सुनना तो अगर ये लाइन हटा दूं अगर ये लाइन हटा दूं तो एक प्लस दो तीन प्लस तीन छ प्लस चार दस हुए दोस्तों यहां पे दस एक दो तीन चार डला अगर एक लाइन यहां खींच दूं तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, तीन, तीन, प्लस चार इस आधार पे भी ऊपर वाले आधार पे भी तो दस बनेंगे तो दस इंटू दो कर दिया भाई अगर एक और लाइन खींच दू तो इंटू तीन कर देना एक और लाइन खींच दू तो इंटू चार कर देना मतलब जितने मंजिल की इमारत हो जाए जितने मंजिल की इमारत हो जाए इंटू उतना कर देना दिमाग अपना ठिकाने रखकर इज दैट क्लियर रवि यादव लखन पर, समझ में आया सबको सर विंगो बिंगो चिप्स बिल्कुल मैड मैड एंगल्स होता है ना वही हुआ ठीक है अच्छा अब सुनो यहां तक कोई डाउट है यहां तक किसी को डाउट है क्या यहां तक कोई डाउट होगा भी नहीं और हो तो दोस्तों वहीं दफना देना हो तो वहीं दफना देना और इसका आंसर जरा देना इसका आंसर चाहिए दोस्तों मुझको इसका इन सबका आंसर चाहिए आप जानते हो सर एक प्लस दो तीन और दो मंजिल की बिल्डिंग है तो तीन दुनी छ एक प्लस दो तीन एक प्लस दो तीन तीन प्लस तीन और दो मंजिल की बिल्डिंग है तो बारह हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया बारह हो जाएगा लालू बारह अभी एक प्लस दो तीन तीन प्लस तीन छ प्लस चार दस दस प्लस पांच पंद्रह कितने मंजिल की बिल्डिंग है सर तीन माले की बिल्डिंग है तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट 45 फाइव एज दी करेक्ट आंसर बोलो या ना अगर मेरी बात समझ में आई है तो लगभग हज़ार दरिंदे इस वक्त लाइव ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना आगे बढ़ जाऊं क्या अरे आगे बढ़ जाऊं क्या अगर आगे बढ़ने की मोहलत दे रहे हो अगर आगे बढ़ने की दोस्तों मोहलत दे रहे हो तो इन दो फिगर्स का आंसर देना इन दो फिगर्स का आंसर देना आपके सामने बना रहा हूं कितने ट्रायंगल्स हैं इन दोनों में दोस्तों आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों छ नौ दस ग्यारह और इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं पंद्रह तीस इक्कीस और पैतालीस इन दोनों फिगर्स में अगर आपने करेक्ट काउंट कर लिया दोस्तों तो भगवान कसम जहां देखूंगा वहां आकर गले लगा लूंगा भगवान कसम जहां तुमको देखूंगा वहां आकर गले लगा लूंगा एक बार इसका आंसर चाहिए रुपेश विक्रम निर्मला मंजू भवेश फटाफट से नाम जा रहे हैं आज आप लोग दोस्तों कमेंट करने में बिल्कुल मिर्जापुर के मिर्जापुर के मुन्ना भैया बन गए हैं कमेंट किए जा रहे हैं फटाफट से आंसर आ रहा है सबका फटाफट से सबका आंसर आ रहा है वेरी नाइस वेरी नाइस फटाफट से दोस्तों फटाफट से बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए पहले पहले ये पहले ये पहले ये चाहिए भैया पहले इधर वाला चाहिए आंसर दो सुनो अब ध्यान से दोस्तों क्या ये लाइन नीचे तक है क्या ये लाइन नीचे तक है नहीं आपने जो शॉर्ट में सीखा है वो तो नीचे तक आने वाली लाइनों में ही सीखा है ये लाइन तो नीचे तक नहीं आ रही तो इन लाइंस को एक बार गायब हुआ हुआ महसूस करो दोस्तों ये बीच में जो लाइन बनी है इसको गायब हुआ महसूस करो तो यहाँ पे डलेगा एक यहां डलेगा दो यहाँ डलेगा तीन एक प्लस दो तीन प्लस तीन छ हो गए कितने हो गए छ और फिर दोस्तों ये तीन छोटे छोटे और ये तीन छोटे छोटे और तो कितने हो गए अरे कितने हो गए नौ हो गए कितने हो गए दोस्तों नौ हो गए और दोस्तों कोई बाहुबली इसका भी करेक्ट आंसर दे दे कोई बाहुबली इसका भी आंसर दे दे दोस्तों तो मजा ही आ जाए तो दोस्तों देवसेना देवसेना और बाहुबली दोनों इसका करेक्ट आंसर देंगे फटाफट से आंसर देना क्या होगा क्या ये लाइन एंड तक जा रही है सर नहीं जा रही मैंने कहा ठीक है भाई नहीं जा रही तो क्या ये लाइन एंड तक जा रही है सर नहीं जा रही तो ध्यान से सुनना वो सीधे मल्टीप्लाई बाय टू मत करना मुझे हटाना मत दोस्त सामने से एक प्लस दो तीन तीन प्लस तीन छ छ प्लस चार दस दस प्लस पांच पंद्रह दोस्तों इस आधार के ऊपर बनने वाले ट्राइंगल्स फॉर्मड ओवर दिस बेस कितने हो गए 15 हो गए अब ये कंटिन्यू नहीं हो रहा इंटू टू या इंटू थ्री करके दोस्तों नाम मत खराब करना इस आधार पे वन प्लस टू थ्री इस आधार पे two, इस पूरे बेस पे पंद्रह इस पूरे बेस पे छे और इस पूरे बेस पे तीन तो तीन प्लस छ नौ प्लस पंद्रह प्यारे दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा चॉइस आ जाएगा पंद्रह मैंने चॉइस लिखा ही नहीं क्या रे मैंने चॉइस लिखा ही नहीं क्या हाँ चॉइस है ये ठीक है दिस इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर करेक्ट होगा फटाफट से लिखिए आगे बढ़ना है हाँ गाइज करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखो जरा दोस्तों आपसे पूछा के बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं आपसे पूछा के बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं अब आपको बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे ध्यान से सुनना ऑप्शन भी लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा मन में गिन के ही ऑप्शन लिखूंगा क्योंकि ऑप्शंस याद नहीं होने चाहिए कंसेप्ट याद होना चाहिए हाँ दोस्तों ऑप्शन है अट्ठारह पहला ऑप्शन क्या है अट्ठारह दूसरा ऑप्शन है सोलह तीसरा ऑप्शन है पंद्रह और चौथा ऑप्शन है दस आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा आप ध्यान से सुनना दोस्तों हाँ जी अब सुनो दोस्तों ध्यान से पहले आप मुझे बताओ ये नाम डाल रहा हूँ ए ओ सी ध्यान से सुनना दोस्तों आप मुझे बताओ ये ए सी में एक प्लस दो तीन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं किसकी बात कर रहा हूं मैं ये ए है ये ओ है और ये सी है दोस्तों आप मुझे बताओ इस ए सी में एक प्लस दो तीन होता हुआ दिख रहा है तीन क्या उसी तरह बी ओ सी में एक प्लस दो तीन होता हुआ दिख रहा है आपने बोला हा सर दिख रहा है उसी तरह दोस्तों क्या ए ओ बी में तीन होता हुआ दिख रहा है आपने बोला हां होता हुआ दिख रहा है तो दोस्तों ये कितना हो गया सर तीन प्लस तीन प्लस तीन नौ तो अभी तक मिल गए एक प्लस दो तीन एक प्लस दो तीन एक प्लस दो तीन बोलो हा या ना अब मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों अब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी कितना ए बी सी ध्यान से सुनना अगर ये पूरी लाइन आपको दिख रही है अगर इस पूरी लाइन को गिनोगे तो कितने ट्रायंगल्स हुए सर एक दो और ये मिलके तीन मैंने बोला ये मिलके बाद में लेंगे ये छोटे छोटे कितने हुए सर दो हुए जब ये लाइन हटा के ये वाली लाइन को महसूस करोगे तब भी दो छोटे मिलेंगे और ये वाली लाइन को हटा के जब ये लाइन एज़्यूम करोगे तब भी आपको दो मिलेंगे और फिर एक पूरा मिलेगा और फिर एक पूरा मिलेगा यानी दोस्तों सात ये हो जाएंगे सात ये हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा सोलह आपका आंसर कितना आ जाएगा सोलह आ जाएगा जिनका आंसर पंद्रह है ज्ञानू चौधरी तुम्हारा आंसर पंद्रह आ रहा है सुनना पहले मुझे बताओ पहले मुझे ये बताना दोस्तों के आपको एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, एक दो तीन नौ तक तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों अब ये बड़ा ट्राइंगल जो है इसमें इस पूरे को मत गिनना सिर्फ इस परपेंडिकुलर की वजह से दो छोटे बने इसकी वजह से भी दो छोटे बने और इसकी वजह से भी दो छोटे बने तो छह और एक पूरा मिलके सात तो छह और एक सात जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा सोलह आ जाएगा आप में से किसी के मन में आ सकता है कि सर ये आपने एक प्लस दो तीन क्यों नहीं बोला मैंने कहा तीसरा कौन सा होगा तीसरा ये पूरा वाला होगा तो ये पूरा वाला बार बार थोड़ी गिनूंगा जब मैं इस लाइन को देखूंगा तो भी ये पूरा वाला वही है जो इस लाइन को देखने पे मिलेगा समझ में आ रही है बात तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे सोलह हो जाएगा सिक्सटीन इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड कौन सा आंसर करेक्ट है दोस्तों सेकंड आंसर करेक्ट है और अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रहा हूं जरा ध्यान से मेरी बात सुनना आपसे पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपसे पूछा है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ऑप्शन है दे रहा हूं तेरा चौदह पंद्रह और सोलह दोस्तों ये चार ऑप्शंस आपको दे रहा हूं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपको गिनना है जल्द से जल्द चाहिए आंसर जल्द से जल्द आंसर चाहिए खुशबू नवाज प्रवेश गुर्ज गुर्जर कैलाश मानवेंद्र और भी विक्की आर्यन शैतान सुरेश कुमारी आकाश संजय धीरज पूजा गार्गी किशोर आंसर चाहिए इसका इसका आंसर पंद्रह सोलह चौदह तेरह तेरह बारह ग्यारह पंद्रह सोलह चौदह पंद्रह सोलह अच्छा गाइस सुनो टुकड़ों में गिनना देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया एक लाइन अगर खींच दी जाए तो जो मैंने पढ़ाया वो चेंज हो जाएगा मतलब दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए एक लाइन खींच दूंगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा पर कंसेप्ट नहीं बदलेगा इसलिए दोस्तों आप इसको मन में सॉल्व नहीं कर सकते आपको अपने हिसाब से आपने जो जैसा पढ़ा उस हिसाब से दोस्तों आपको शुरुआत करनी चाहिए पहले आपने एक बड़ा ट्रायंगल देखा ध्यान से सुनना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं एक एक करके गिनेंगे ये एक बिल्डिंग में बीच में दरार आई दोस्तों ये दरार दिख रही है आपको और एक लाइन ये ए बी और एक लाइन ये सी डी क्योंकि ये तो दोस्तों कंप्लीट नहीं जा रही ना ये आगे तक नहीं जा रही तो कंप्लीट तो दो ही लाइन गई है तो दो लाइन बीच में आ गई मैं आपको बोल रहा हूं यहां रुक के बताओ कि ये कितने ट्राइंगल्स हुए आपने बोला सर एक प्लस दो तीन और तीन इंटू एक दो तीन तीन इंटू तीन नौ सर नौ अभी तक आपने इस लाइन को काउंट नहीं किया इस लाइन को गौर नहीं किया और इस लाइन पे भी गौर नहीं किया अभी तक दोस्तों कितने हो गए नौ अगर आपने पूछा सर ये नौ भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसेगा भी और मारेगा भी दोस्तों सुनना ध्यान से ये नौ तक कोई डाउट नहीं है अब एक एक करके लाइन खींचना सर मैं नीचे वाली लाइन खींच रहा हूं मैंने कहा कौन सी लाइन खींच रहे हो कि सर मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूं सर। ये वाली लाइन खींच रहा हूं मैंने कहा ठीक है ये वाली लाइन खींचो कितने ट्राइंगल्स बने सर एक प्लस दो तीन बन गए सर ये एक और ये दो छोटे छोटे तीन और बन गए मैंने कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर अब ध्यान से सुनना तुमने ये अंदर के तीन तो गिन लिए, पर ये ऊपर चिड़िया जैसे दो और बने के नहीं अरे तुमने ये अंदर वाले तीन तो गिन लिए, पर ये ऊपर वाला ट्रायंगल कौन गिनेगा दोस्तों ये ट्रायंगल भी तो एक और एक दो हुए के नहीं कितने हो गए दो हो गए अरे बोलो हा या ना ये दिख रहे हैं ना आपको एक प्लस दो तीन पर इसके ऊपर चिड़िया की शेप में दो और बन रहे हैं दो जुड़ गए अच्छा अब क्या बाकी है सर अब बाकी है सर मैंने बोला क्या बाकी है कि सर आपने यह लाइन तो खींच ली आपने ये लाइन तो खींच ली सर इसके ऊपर ये लाइन बची है मैंने कहा जैसे ये लाइन बची एक तो ये ट्रायंगल बन गया जैसे ये लाइन बनी एक इसके नीचे वाला ट्राइंगल और एक इसके ऊपर वाला ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल और बन गए कितना आंसर आया सर आंसर 16 आया सर ऑप्शन नंबर डी इज आंसर फिर से सुनना समझना आपने पहले ट्राइंगल बनाया एक दो एक प्लस दो तीन 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 नौ यहां तक कोई डाउट है ओके जब इतना बन गया जब इतना बन गया तो आपने बीच में ये चिड़िया और बना ली दोस्तों ही ये चिड़िया बनाई तो एक प्लस दो तीन और इसके ऊपर वाले भी दो ये एक दिख रहा है ये ये एक दिख रहा है कि नहीं एक ये और एक ये रेड कलर से बनाता हूं देखो एक ये और एक ये वाला दो और क्लियर है नौ वहां थे नौ वहां थे दोस्तों और दो पांच ये हो गए हो गए चौदह अब आपने एक लाइन खींची प्यारे दोस्तों आपने एक लाइन खींची ये ब्लू वाली एक तो बना ये ब्लू ट्रायंगल और एक बना इसके ऊपर वाला ब्लू ट्रायंगल, दो और बन गए तो ये कितना हो गया नौ प्लस तीन बारह प्लस दो चौदह प्लस चार सोलह इज दैट क्लियर सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर चलता हूँ दोस्तों इस पर और आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं तो याद रखना दोस्तों टिम टिमाता हुआ सितारा टिम टिमाटा जो ये स्टार है इसमें दस होते हैं कितने होते हैं दस याद रखने के लिए बताता हूं एक दो तीन चार पांच ये साइड में दोस्तों कितने इसके तीखे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं पांच तो सीधे पांच इंटू दो दस कर दो अगर मन में आए सर रटाओ मत सर समझाओ मैंने कहा बताता हूं आपको ये छोटे छोटे पांच दिख रहे हैं ना ये छोटे छोटे पांच दिख रहे हैं दोस्तों आपको एक ये ट्राइंगल मिला मैं कह रहा हूं, इसी के हिसाब से देखो एक और ट्राइंगल मिलेगा जब आपको ये पॉइंट मिला दूसरा ट्राइंगल तो आपको ये एक और ट्राइंगल मिलेगा जब आपको ये ट्राइंगल दिखा दोस्तों तो आपको एक ये ट्राइंगल और मिलेगा जब आपको ये ट्राइंगल मिला तो आपको एक ये ट्रायंगल और मिलेगा और जब आपको ये ट्रायंगल मिला तो आपको एक पांचवा और मिलेगा मतलब एक छोटा और इसी शीर्ष पर इसी कोने पर एक बड़ा ये छोटा और इसी शीर्ष पर एक और बड़ा ये छोटा और इसी शीर्ष पर एक और बड़ा मतलब इस शीर्ष पर दोस्तों दो ट्राइंगल हैं एक छोटा और एक बड़ा तो पांच ट्राइंगल पांच का डबल दस हो गया पांच का डबल दस हो गया तो दस इज करेक्ट आंसर एक दो तीन चार पांच पांच छोटे और पांच के पांच बड़े तो पांच इंटू दो दस इज दैट क्लियर समझ में आ गई बात सबको समझ आ गई दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो भी और वो भी आपको तुरंत करना है ध्यान से सुनना शक्तिमान देखते थे क्या शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान के चेस्ट पर दोस्तों कुछ ऐसा लोगो बना होता था और यहां शक्तिमान का एस लिखा होता था आपसे पूछा यहां कितने ट्रायंगल्स हैं आपसे पूछा यहां पे कितने ट्रायंगल्स हैं और आपको बताना है कि यहां कितने ट्रायंगल्स हैं अब ध्यान से मेरी बात सुनना सुनोगाइज एक दो तीन चार पाँच छ छोटे दिख रहे हैं अरे छोटे दिख रहे हैं अगर छ छोटे दिख रहे हैं तो दो बड़े बड़े बन रहे हैं देखो एक ये और एक ये छोटे और ये दो बड़े छोटे और दो बड़े बड़े कौन कौन से हैं दोस्तों नाम दे देता हूं नाम देता हूं ये है ए ये है बी ये है सी और ये है पी ये है क्यू ये है आर तो दो बड़े ट्राइंगल्स कौन कौन से हुए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये दो बड़े कुल मिला के आंसर कितना आएगा आठ वैसे आपको याद रखना है शक्तिमान वाले में आठ और टिमटिमाते स्टार में दस होते हैं अगर मेरी ये बात समझ में आई है एक अंतिम चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कल आकर मिलूंगा और आगे बढ़ूँगा ये सबको समझ में आ गया आठ अरे ये सबको आठ समझ में आ गया अगला क्वेश्चन देखना अगला क्वेश्चन देखना और बताना मुझको कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं और बताना मुझको कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आपसे पूछा के बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ऑप्शंस दे रहा हूं आठ बीस बाईस सोलह हाँ गाइस बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे इसमें जल्दी जल्दी बताओ अरे जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे इसमें 16 होंगे या इसमें बीस होंगे या इसमें बाईस होंगे या इसमें 16 होंगे फटाफट से गाइस अच्छा अब सुनो आप जानते हो आप जानते हो कि इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में आठ होते हैं तो एक बाहर ऐसा है और एक अंदर ऐसा है तो आठ इंटू दो सोलह हो गए ऐसे दो है इसलिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया सोलह टिक करके आएंगे फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बच्चे कितना टिक करके आएंगे दोस्तों सिक्सटी परसेंट बच्चे टिक करके आएंगे सोलह अब मैं आपको बोल रहा हूं सोलह बिल्कुल करेक्ट होता पर ध्यान से सुन लो चुपचाप ये कितने एक दो तीन चार पांच छ पूछे दिख रही हैं अरे छह पूछ दिख रही हैं छ के ट्रायंगल और ध्यान से देखो इस लाइन से लेकर ये एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको अंदर वाले ट्राइंगल की एक भुजा और बाहर वाले ट्राइंगल की पूछ मिलके एक दिख रहा है क्या अरे दिख रहा है क्या तो ऐसे के ऐसा एक यहां भी बन जाएगा 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 जो इसकी दोस्तों छ कोने निकल रहे हैं छ के छ पे छ और बन जाएंगे सब पर छ जाएंगे, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा ये छ कौन से हैं? मिक्स वाले हैं सोलह तो प्योर हो गए आठ आठ सोलह अब आपने देखा सर ये एक बन रहा है सर ये एक बन रहा है तो ऐसे दोस्तों एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां छ ऐसे और बन जाएंगे कितने ऐसे और बन जाएंगे छ ऐसे और बन जाएंगे समझ में आ रही है तो छह और जुड़ के दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू इज दैट क्लियर बोलो समझ में आया या घर घर पे आके समझाओ वेरी नाइस nice, समझ में आ गया तो दोस्तों अभी आप मुझे इजाजत दीजिए कल दोस्तों भर के क्वेश्चन लाए हो आप देखो अभी तक तो मैंने आधे नहीं करवाए अभी तो मैं आपको ये गिनना कल सिखाऊंगा ये गिनना सिखाऊंगा ये गिनना सिखाऊंगा ये गिनना सिखाऊंगा और ये गिनना सिखाऊंगा ये गिनना सिखाऊंगा अभी तो दुनिया पड़ी है दोस्तों इसमें सर्कल कितने हैं इसमें क्यूब्स कितने हैं इसमें क्यूब्स कितने हैं अभी तो दोस्तों कल की क्लास आप देखना कल की क्लास आप देखना दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं जलवा बिखेर देंगे क्लियर है या नहीं तो कल मिलता हूं दोस्तों अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए लगातार पढ़ते रहिए अगर वीडियो लाइक किए बिना किसी ने वीडियो बंद किया दोस्तों तो बहुत मार पड़ने वाली है और कल और धांसू क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊँगा अगर आप उत्कर्ष से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लगातार हमसे जुड़े हैं तो उम्मीद करता हूँ आप में सुधार हो रहा होगा और वो सुधार आपको दिख रहा होगा अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए लगातार पढ़ते रहिए बाय बाय हैव अ नाइस डे